भाई साहब जो है बड़े भाई, उनकी 72 साल की उम्र है, उनकी पैदाइश, उनका जन्म भी उसी घर पर हुआ। उस घर को इन लोगों ने ये कहकर तोड़ दिया कि अतिक्रमण है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या जाले के से जो मंत्री हैं उनके संरक्षण में क्या डीएम और सीओ के इतना पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को बाईपास कर दे। सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग कहती है कि अगर 12 साल से ज्यादा आप किसी जमीन पर घर बनाकर रह रहे हो तो आपका मालिकाना हक हो जाता है और आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। अभी मामला हाई कोर्ट में लंबित है और अभी मंत्री जी ने डीएम से लेकर एडीएम और सीओ एसएचओ थानेदार को मैनेज कर यहाँ पर अलग अलग पुलिस के बस्ते खड़े किए। क्या जाले की आवाम गुंडा है? क्या आपको 5-5 पुलिस के बस्ते लगाए जाते हैं? अरे ये गरीब आवाम है, देख लीजिए इनका चेहरा, देख के आपको लग रहा है कि करोड़पति है। मंत्री जी आप तो करोड़पति नहीं अरबपति बन गए, हम सब लोगों को मालूम है, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जाले की आम आवाम पर, गरीब जनता पर अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो उस बुलडोजर का रुख आपके घर चंदवाना की तरफ भी हो जाएगा, जाले की सीओ की तरफ भी हो जाएगा। एक व्यक्ति के साथ भी जाले विधानसभा क्षेत्र में अन्याय हुआ, मैंने पहले भी कहा है। कुछ लोग आएंगे आपको कहेंगे उस्मानी जी राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। अरे भाई साहब, चुनाव 2025 में है, अभी कौन सा साल चल रहा है, 2022 की शुरुआत, ये कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। मेरे लोग हैं, गरीब जनता है, जिनको आपने घर तोड़ कर रोड पे ला दिया। हमसे कह रही थी माता जी कि 2 बेटी की शादी कर दी है, 1 बेटी बची है उसको लेकर रोड किनारे रह रहे हैं, कौन देगा उनको सुरक्षा? मंत्री जी आप सुरक्षा देंगे तो आइए सुरक्षा दीजिए। जब ये लोग जाते हैं मंत्री जी के पास, नहीं सुनिए, मंत्री जी के पास जब ये लोग जाते हैं और बोलते हैं हमारा मकान गिर गया कुछ मदद कीजिए, तो मंत्री जी क्या कहते हैं? मंत्री जी ये कहते हैं कि हम पेट का इलाज करते हैं, आग का इलाज नहीं करते। तो आज हम जाले की ऐतिहासिक धरती से, शंकर चौक से ये कहना चाहते हैं, मंत्री जी आपके हाथ में जो मुत्याबीन हो गया है उसका इलाज जाले की जनता जरूर करेगी। ये जो घर तोड़ा गया है जीएस मिश्रा के इशारे पे तोड़ा गया है, अरे भाई मंत्री और सरकार के ही इशारे पे सब कुछ होता है, प्रशासन किसके अंदर में होता है? शासन के अंदर में होता है। और ये तो विधानसभा के अंदर खड़े होकर बोलते हैं, अरे हम मंत्री हैं, हम मंत्री हैं, आपको कोई पहचानता ही नहीं है, हम सरकार हैं। तो ये सरकार का काम नहीं तो किसका, जनता का काम है क्या? ये बता दीजिए, किसी का घर को तोड़ना ये पूरी मिली भगत है। मंत्री महोदय ने जानबूझकर जनता को प्रताड़ित करने के लिए ये काम किया। ये आंदोलन जो एक तरह का शुरुआत आपने किया, तो हमने नहीं किया है, ये जाले की जनता ने किया है, हम उनके साथ खड़े हैं, सम्मिलित है, चूंकि उनका दुख हमारा दुख है। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द इनको मुआवजा मिले और सरकार इनकी जमीन पर दोबारा से उस घर को बनाए, मेरी यही मांग, और इनको न्याय मिले। मांग नहीं पूरी होती है तो आप, ये आंदोलन आगे चलेगा, अभी तो हम जाले में खड़े हैं, अभी पार्टी तक जाएंगे हम लोग, जरूरत पड़ी तो पटना में विधानसभा का घेराव भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और एक और बात बता दूं, अगर जरूरत पड़ी तो चंदाना ज्यादा दूर नहीं है, पैदल चलते मंजिले। डॉक्टर मशहूर इस्पानी महागठबंधन प्रत्याशी था कांग्रेस की ओर से जाले विधानसभा 2020 को, जाले के एसएचओ को तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त करना चाहिए और सारे परिवार को मार देना। हाय हाय, चले विधायक, हाय हाय।
की मनमानी नहीं चलेगी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक सुभाष मार्केट लंगर टोली चौराहा पटना।